जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है वहां ये अपने तीन जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पर मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पर कुछ नहीं हो रहा। और जो माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो सदन के नेता है उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसके हम समर्थन में। अध्यक्ष महोदय, आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, विश्वास मत और आवश्यकता, विश्वास मत की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए भाजपा का जो कुचक्र है, जो भाजपा का जो अविश्वास है उसको समझने की जरूरत है। सब लोगों ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन आप देखिएगा जो पूरे देश में जो माहौल है वो क्या है। हर राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है वहां ये अपने तीन जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। अब ये बात तो साबित हो गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक और एक निडर निर्णय जो लिया है, जो कि देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, आज के माहौल में शायद ही ऐसा हिम्मत और दिलेरी कोई दिखाता है। और हम तो अपने राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, जो कि हमारे पिता हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि दोनों नेताओं ने जो समय के मुताबिक और लोगों के मांग पर कि भाई जितने देश भर में समाजवादी लोग हैं उनको अब एक होना पड़ेगा। और लालू जी का तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कितना भी दबाया गया, झुकाने का प्रयास किया गया, डराने का प्रयास किया गया, वो कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं थे। तो अब वाद विवाद चल रहा है। अभी हमको सूचना मिली कि कुछ गोदी पत्रकार मीडिया जो कि दिन रात टीटीएम का काम करती है एक पार्टी के लिए, उसमें चलाया गया कि भाई तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में सेक्टर 71 में। बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए। लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। वो मॉल का क्या नाम है? अर्बन क्यूब प्रोजेक्ट का नाम है अर्बन क्यूब। हम पता करवाए भाई कि भाई कंपनी का डिटेल निकालो, इस मॉल का डिटेल निकालो। तो जब डिटेल निकला तो पता चला कि एक डायरेक्टर है इसमें कृष्ण कुमार करके, जो कि आपके भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं, ये उसमें डायरेक्टर है। और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेकर आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है
एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। अच्छी बात है। तो ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, एक एजेंडा पेश किया जा रहा है। मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों का खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं, अब ये IRCTC का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी है जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हार्वर्ड से लेके NCR तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज है, वो लोग, छात्र लोग आए और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पर मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश के संपत्ति को बेच देगा, उस पर कुछ नहीं हो रहा। देखिए हम पे जो है लुकआउट नोटिस लगता है, हम विदेश जाते हैं, हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था, लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था, लाखों हजार करोड़ रुपए लेके भागे। आज कोई नाम क्यों नहीं लेता मेहुल चौकसी का, भाई मेहुल चौकसी जी, नीरव मोदी जी, कहां गए ये लोग? मतलब जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है, यही कहना चाह रहे हैं क्या? बात है, अगर ऐसी बात है तो सबको बराबर बराबर लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पूरे देश की जनता को बराबर कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब कहां हम लोग जो है लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए एक बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्या हुआ, 10,00,000 करोड़ रुपया इनके मित्र पूंजीपतियों को माफ कर दिया जाता है, लोन कर्जा माफ कर दिया जाता है, और देश के आम लोगों पर GST 5% लगा के फूड वाला लेकर के बोझ डाल दिया जाता है, किसान का मुआवजा नहीं माफ करते। तो उन लोग कहां है भैया, किसका माफ हुआ, कौन किया, इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। खैर ये सारी बातें अलग है, ये तो सब लोग जानते हैं कि समाज में समानता, बराबरी, शांति, भाईचारा और सौहार्द बनाने की कीमत मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें, हम खुद, मेरे पिता भुगत रहे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं, अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। लोग सवाल पूछते थे, लोग पत्रकार हमसे सवाल पूछते थे, महोदय सवाल पूछते थे कि भाई ये कैसे हुआ, तो हमने पत्रकार भाइयों को बोला कान पकड़ के, हाथ जोड़ करके, जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ वैसे बिहार में नहीं हुआ, जो झारखंड में देखा, अन्य राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, क्या देखा हम लोगों ने? मतलब एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ अपने जमाइयों से, और जो नहीं डरेगा उसको खरीदो,
तो हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं। आप समझिए कि महाराष्ट्र में जितने पॉलिटिकल लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, जितने पॉलिटिकल यहाँ इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सब लोग, ज्यादातर लोग गरीब परिवार से चुन करके आते हैं। कोई किसान का बेटा यहाँ चुन के आया है, कोई मजदूर का बेटा यहाँ चुन करके आया है महोदय, कोई पशुपालक का बेटा चुन करके आया है महोदय, पिछड़ा परिवार का, अति पिछड़ा परिवार का, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और तो वहाँ करोड़पति लोग चुन करके जाते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जब बोल दिया तो बैठिए, डिस्टर्ब क्या करता, बैठिए बैठिए, शांति शांति शांति। अध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शांति बैठिए, बोल रहे हैं सभी सदस्य को, सभी सदस्य को, कि कितना भी यहाँ कोशिश करने का प्रयास किया गया हो, अरे भैया हम लोग देख रहे थे ना कि आपके राष्ट्राध्यक्ष लोकतंत्र की जननी में आकर के क्या बयान दे रहे थे कि रीजनल्स पार्टी को खत्म कर देंगे, ऑपोजिशन को खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या है भाई, रीजनल्स पार्टी कौन है? और यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी को किस तरह से तंग किया जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का क्या क्या प्रयास किया जा रहा था, समाजवादी राजनीति को किस प्रकार से खत्म करने का साजिश किया जा रहा था, तो हम लोगों के पास उपाय क्या था? हम लोगों के पास उपाय था कि देश को हम लोग मिटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, समाजवादी राजनीति को खत्म नहीं होने देंगे। और हम लोगों के पुरखा, हम लोग समाजवादी लोग हैं महोदय, एक ही परिवार के लोग हैं। अरे अरे सुनिए ना, सुनिए ना, एक ही परिवार के लोग हम लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारे पुरखों का जो विरासत है वो कोई और नहीं ले जाएगा। आप जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो खेत जोते हैं उसमें आप लोग जो है फसल उगाने का काम कीजिएगा, जो समाजवादी जो विरासत है, जो हमारे पुरखों की विरासत है, वो हमारे पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं जाने वाली। एक बात समझ जाइए। और अध्यक्ष महोदय, ये बिहार हैजा धमकावे से काम ना चले वाला, ये बिहार है। आप लोग जो विभाजनकारी लोग हैं उनको रोकने के लिए, जो देश में गंगा जमुना तहजीब, जो भाईचारा जो बिगाड़ना चाहते थे, जो आप लोग सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव जो बिगाड़ना चाहते थे, इसको देखते हुए हम लोगों ने सभी प्री पोल महागठबंधन के अलायंस के सभी पार्टनर, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, और हम आरजेडी के सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी के निर्णय का सराहना नहीं, बल्कि हम ये कह देना चाहते हैं हम लोग मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। अब क्या कह रहे थे तारकिशोर जी, बोल रहे थे कि रन आउट रन आउट रन आउट, हम आप तो खेले नहीं, हम तो कई बार खेल के अपना पैर भी तोड़वा लिए। मेरा जो लिगामेंट है एंकल का वो टूटा है, एक बार कोई आउट होता तब ना दूसरा इनिंग खेलता। लेकिन एक बात समझ जाइए अच्छे से कि हम लोग क्रिकेटर हैं, और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। एक बात समझ जाइए क्या है, आप ये भी सुने होंगे, अब बैठ जाइए, अरे बैठिए ना, ये इनिंग जो होगी ना, नेवर एंडिंग इनिंग खेला जाएगा, सबसे ऐतिहासिक, मतलब एक रिकॉर्ड बनेगा कि लंबे इनिंग, हम लोग का पार्टनरशिप जो होगा बिहार के हित में, देश के हित में, ये लंबा होगा इनिंग।
अब कोई रन आउट होने वाला नहीं, एक बात समझ जाइए। लेकिन आप लोगों का क्या काम था, आप लोग क्या कर रहे थे? इतना बढ़िया से, इतना बढ़िया तरीका से हमारे अभिभावक विजय चौधरी जी ने आप लोगों को समझाया। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। और आप लोगों को तो आत्ममंथन करने की जरूरत है। अभी क्या 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 आप लोग आरोप लगा रहे थे भाई? यहाँ बाराती लेकर आ गए, दूल्हा है ये नहीं, अभी तक तय ही नहीं। गजब। आप लोगों को एक बात हम कह दें कि हमको सत्ता जो है पाने का हमको कोई वो नहीं है कि हमको सत्ता पाना है। बात सुनिए, हम दो बार उप मुख्यमंत्री बने, एक बार नेता प्रतिपक्ष 5 साल के लिए बने, और पूरे देश में महोदय शायद ही ऐसा कोई भाग्यशाली होगा जिसके माता पिता मुख्यमंत्री भी रहे और नेता विरोधी दल भी रहे। तो आप एक बात समझ जाइए कि हम लोग, मेरा साफ असूल है, जो संदेश बिहार की जनता ने महोदय, जो संदेश बिहार की जनता ने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के ऑपोजिशन को जो देने का काम किया, देश के लोगों को एक उम्मीद देने का काम किया, आदरणीय लालू जी ने जो साथ दिया, हम कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए एक बात है कि भैया जो लोग डरेगा वो लोग मरेगा, जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। ये होना बात क्या, हम लोगों का क्या काम है? हम लोगों का यही ना चाहते कि भाई बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे, देश आगे बढ़े, प्रगति करे। लेकिन आप लोगों का डिजाइन तो सब लोग जानता है, क्या क्या आप लोग जो है रणनीति बनाते रहते हैं, हर जगह जो है कब्जाना है, ये करना है, सौहार्द को बिगाड़ना है, आपसी भाईचारे को भंग करना है। तो इसलिए हम सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं, सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता हमारी विचारधारा वही है। और आप लोग एक बात समझ जाइए, जो बिहार का लोकतंत्र का जो ढांचा है ना, भाजपा के कदमों पे कुछ चलने नहीं देंगे, इसको बचाने के लिए हम लोग एक हुए हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत। और आप लोग क्या क्या टिप्पणी कर रहे थे, चलिए छोड़िए, हम आपके नेता यानी देश के जो प्रधानमंत्री, तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला था, नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी सच्चे समाजवादी नेता। आप प्रधानमंत्री के बात को मानो ना, मेरी क्यों सुनते हो? अरे छोड़ो, आप प्रधानमंत्री जी ने अभी आए थे, अरे यही आए थे इस प्रांगण में, इस प्रांगण में क्या कहा था विधानसभा के प्रांगण में कि कितना बिहार का काम करते माननीय मुख्यमंत्री जी, दिन रात काम करते। आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, हम तो उन्हीं की बात को जो है बताने का काम कर रहे हैं। तो आज जब हम सब लोग एक हुए हैं तो आप लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है? असल में आप लोगों को जो पीड़ा हो रही है, आप डर चुके हैं, उसने जमाई को आगे कर दिया, आप लोग पीछे हो गए, आप लोग पीछे हो गए। और असली पीड़ा, असली बोल दिया हम प्रधानमंत्री को निकाल देगा, असली अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, असली पीड़ा जो है इनकी, असली पीड़ा, इनकी असली पीड़ा जो है वो डर है 2024 का। असल में ये लोग डरते हैं कि अगर हम सब लोग एकजुट हो जाए तो बिहार से जो संगी लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगा। असल तो वो है ना,
बोल तो आप सब लोग अध्यक्ष महोदय। अच्छा अच्छा चलिए शांति शांति बैठ जाइए बैठ बैठ जाइए बैठ जाइए। बोल दिए है निकाल कर देखेगा हम पार्लियामेंट में निकाल देगा उसके लिए क्या लगता बैठिए ना तो बोल दिए तो क्या लगता लेकिन बोलो जवाब का समय है 25 मिनट का। अध्यक्ष महोदय देखिए हम कहा इनकार कर रहे हैं। अरे बैठ बैठ एक एक मिनट माननीय सदस्यगण आज के लिए निर्धारित कार्यक्रम कार्य के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है यदि सदन की सहमति हो तो। ठीक है बोलिए अध्यक्ष महोदय। हाँ ये बात सच है कि हमने इन पे आरोप लगाया इन्होंने हम पर आरोप लगाया लेकिन जब आरोप लगा रहे थे तो इसी हाउस में अध्यक्ष महोदय सुनिए ना इसी हाउस में आप लोग सब लोग ना गवाह हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको क्या कहा था बाबू बैठ जाओ उसमें ये जो तरीका बाबू बैठ जाओ में अपनापन भी था रिश्ता भी था अधिकार भी था और हम इनकी बात को चुपचाप सुन करके आदेश समझ करके चुपचाप हम बैठ भी गए थे तो ये तो हम लोगों का पुराना रिश्ता। एक बार इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी हमारे भाई समान दोस्त का बेटा है यानी उसमें रिश्ता भी था अपनापन भी था भाई समान दोस्त तो ये रिश्ता जो हम लोगों का है ये किसी से छुपा नहीं है महोदय किसी से नहीं छुपा। और अध्यक्ष महोदय बढ़ गए बैठो ना अरे आप आपके नेता पर ना दिए बैठिए ना। अध्यक्ष महोदय बोलिए बैठिए असल में अध्यक्ष महोदय असल में ये लोग काम तो कुछ किए नहीं केंद्र में 8 साल। असल मुद्दा पे आई केंद्र में इन्होंने कोई काम नहीं किया बिहार के साथ पक्षपात किया आप जानते हैं जब काम नहीं किया 2 करोड़ रोजगार देंगे 15 लाख देंगे स्मार्ट सिटी बनाएंगे वो करेंगे महंगाई की मार पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ गया तो जो रियल इश्यू जो है जो मेन एजेंडा जो है उससे ही लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का कि एक ऐतिहासिक जगह से एक ऐतिहासिक इन्होंने घोषणा नहीं बल्कि मोहर लगाने का काम किया। इन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियां ये देंगे रोजगार की अलग से व्यवस्था करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं लेकिन आप अरे बोलने दो ना बैठिए ना ये फाइल निकलवा लेंगे बैठिए। तो अध्यक्ष महोदय तो असल मुद्दों से तो ध्यान भटकाना है असल मुद्दा क्या है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई। अब जब लोगों को एक बिहार के लोगों को एक नई उम्मीद पैदा हुई है हाँ एक तरफ तजुर्बा है एक तरफ अनुभव है एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव को कैसे कंट्रोल में रह करके जनता के लिए काम करते हैं और दूसरी तरफ युवा है जोश है काम करना चाहता है एक बिहार को उम्मीद जगी है हम लोग नौकरी देना चाहते हैं तो ये लोग चाहते हैं कि नहीं देंगे। एक बात समझिए 2 करोड़ तो छोड़िए ना 8 साल में 16 करोड़ हो गया कितना नौकरियां दे दिए आप ना बताइए 15 लाख में बोलियों कराए कि नहीं कराए 15,000 भी दिए तो बात है वो महोदय। आप ये लोग जंगल राज कहते हैं अरे नौकरी कैसे दी जाती है आइए मुख्यमंत्री जी के पाठशाला हमारे पाठशाला में सिखा देंगे कि कैसे नौकरियां दी जाती है। अध्यक्ष महोदय जंगल राज
अरे भैया बेचैन है, अरे बेचैन है, कहा बेचैन है, हो गया। नरेंद्र मोदी जी नहीं देख रहे आपका चेहरा, बैठिए बैठिए। अरे अमित शाह जी नहीं देख रहे आपका चेहरा, बैठिए, कहा चेहरा चमका रहे, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हम एक चीज जानना चाहते हैं इन भाजपाइयों से। शांति शांति, जब सदन के भाई, दो चीज हम जानना चाहते हैं इन बीजेपी के लोगों से, संघियों से। पहला कि भाई ऐसा कौन सा तिलिस्म है इनके पास कि सरकार में इन रहते हैं तो मंगल राज होता है, आउट होता है तो जंगल राज होता है। कौन सा तिलिस्म है? दो दिन में, तीन दिन में जंगल राज। और एक बैठे ना यार, आपके नेता बोलेंगे ना, कहला व्याकुल है, सब आप लोग बेचैन रहते हैं, सबको नेता ही प्रतिपक्ष बनना है, सबको नेता प्रतिपक्ष बनना है ना। अलग अलग खंड में बटे हुए हैं, दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख रहा है। एगो फल्ला जी का ग्रुप है, एगो चिल्ला जी का ग्रुप है, यही हो रहा है, लड़ते रहिए। बात सुनिए तो अध्यक्ष महोदय, ये जब जंगल राज कहते हैं तो बिहार की आत्मा को गाली देने का काम करते हैं, बिहार की आत्मा को गाली देने का काम करते हैं। क्या जंगल राज है, क्या है जंगल राज? महोदय हम पूछना चाहते हैं, अरे बैठिए ना, अरे बैठिए, आपके नेता बोल रहे थे तो कोई नहीं उठा, बार बार आप लोग उठ के बोल रहे थे, सुनिए ना। किसी का नाम लिए हम, किसी में आरोप लगाए, कोई अपशब्द बोले तो बताओ। तो अध्यक्ष महोदय, अब युवाओं को 10 लाख नौकरी मिलेगी तो जंगल राज है महोदय? क्या समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए काम करेंगे तो जंगल राज है क्या? जो वंचितों को न्याय दिलाना वो जंगल राज है क्या? क्या सबको शिक्षा, सबको सम्मान दिलाना ये जंगल राज है क्या? क्या हर घर नल जल पहुंचे, हर नल से जल पहुंचे, हर खेत पानी पहुंचे, हर गांव टोला में सड़क का निर्माण हो, ये जंगल राज है क्या? क्या हर घर बिजली लगातार मिले, ये जंगल राज है क्या? तो महोदय, तो आप लोग समझिए, क्या महिलाओं को सम्मानजनक हिस्सेदारी दिलाना ये जंगल राज है क्या? क्या उनके सुरक्षा के बारे में चिंता करना, सुरक्षा देना, क्या ये जंगल राज है क्या? तो महोदय, ये कबीर से लेकर रविदास, नानक, बुद्ध, फूले, पेरियार, अंबेडकर, गांधी, लोहिया और कर्पूरी ने ऐसे ही लोक राज की तो कामना की थी, जिसको ये संघी लोग जंगल राज बोल करके बिहार के लोगों को जानवर कहते हैं, बिहार के लोगों को गाली दे रहे, मतलब हम और आप जानवर हैं। क्या बात करें, जंगल राज मतलब आपका कहने का मतलब है कि सब यहाँ जानवर बैठा है, बिहार का 13 करोड़ लोग जानवर हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? एक गाली किसको दे रहे? तो एक नैरेटिव मत पेश कीजिए, आइए स्वस्थ राजनीति करते हैं। मेरा कोई दुश्मनी ना आप लोगों में से किसी से पर्सनल, ना नरेंद्र मोदी जी से है, ना अमित शाह जी से, हम लोग तो मुद्दे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का क्या सपना भाई, बिहार को पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा आप लोग नहीं दिलवा पाए, ये मांगते रह गए, कहाँ थे आप लोग, कहाँ थे बताइए, कहाँ थे? तब मुंह नहीं खुल रहा था, और यहाँ चप्पर चप्पर कर रहे हैं आप लोग, चप्पर चप्पर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ जितने महागठबंधन के साथी बैठे हैं, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते, दिलाना है कि नहीं? हाँ तो कहने की बताइए, चलो देखिए साफ है, इधर नहीं दिलाना चाहते। हम लोग चाहते बिहार को विशेष पैकेज मिले, काम हो, लेकिन कोई काम नहीं। महोदय एक काम बता देना, ये लोग जो बिहार के लिए केवल तंग किया और हर एक योजनाओं में कटौती किया। और आप एक बात तो चौधरी जी ने ठीक ही कहा ना, कि अब इनका कौन साथी बचा है, पूरा सफाया हो गया, अब एनडीए कहाँ रहेगी? यही होता है, जाना ज्यादा घमंड में रहिएगा तो यही घमंड टूटता है, चकनाचूर होता है। हम बता देना चाहते,
ये टूट की शुरुआत है। अटल बिहारी जी भले अलग विचारधारा रखते थे, अलग पार्टी था उनका, लेकिन आप देखिए उस समय की राजनीति, जब अटल जी बीमार हुए, जब किडनी खराब था, तो राजीव गांधी जी उनका इलाज करवाए विदेश भिजवा कर। ये अटल जी ने खुद वीडियो में बोला है कि राजीव जी का फोन आया था, और जब अटल बिहारी जी जब थे तो हमारे पिता से भी बड़ा मधुर संबंध था, कभी ऐसा नहीं होता था जो देश में हो रहा है। ये तो बताएंगे मुख्यमंत्री जी, सब बात बताएंगे, सब चीज जानते हैं, एक एक चीज बताएंगे कि कैसे आप लोग इनकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को आप लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, अपने जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ आप लोग बार बार उठ जाते हैं बैठिए बोलो भैया। और आप लोग जा रहे यही सदन में एक इनके विधायक चिल्ला करके बोलते हैं कि मुसलमानों से जो है वोटिंग का अधिकार छीन ले जाए, किसी माई के लाल में दम है? नीतीश कुमार जी के रहते और लालू जी के रहते मुसलमानों से आपने वोटिंग का अधिकार छीन लीजिएगा? असंभव है, हो ही नहीं सकता अगर आप लोग कल्पना कर रहे हैं। लेकिन भाई हम तो बिहार के लोगों से यही प्रार्थना करेंगे, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे किसी वर्ग से आए, समाज से आए, हम लोग ए टू जेड की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबकी बात करते हैं, और हम लोग सब समाज के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, कहीं किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। तो एक बात स्पष्ट है, हम लोगों को काम करना है महोदय, तो हम लोग तो काम तो करेंगे ही महोदय, लेकिन हमारे पास, हम इतना कह सकते हैं कि आज हम राज्य और देश के इतिहास के एक ऐसे समय पे जहां हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला उदाहरण क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला विकल्प ये है कि या तो सामाजिक तनाव बढ़ते हुए देश का विनाश की ओर जाते देखें, या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांधी लोहिया जेपी और बाबा साहब के देश को इस नफरत से बचा ले। तो हम तो अपने पुरखों का जो चयन था उसको हम लोगों ने चुनने का काम किया, और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन इस देश में अगर अशांति का माहौल अगर क्रिएट किया जाएगा, बनाने की कोशिश की जाएगी, तो किसी दंगाइयों को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। एक एक चीज पर नजर है, ये महागठबंधन की सरकार, तो आप लोग, हम तो महोदय अध्यक्ष महोदय, हम तो भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं, भगवान इन भाजपाइयों को सद्बुद्धि दिला दे। अरे अगर बुद्धि आ जाएगी तो चले ना, पक्ष विपक्ष मिल करके एक नया भारत का निर्माण करते, एक नया बिहार का निर्माण करते, जहां नफरत ना हो, प्यार हो, एकता हो, से एक संकल्प हो, जहां बिहार को आगे बढ़ाए। जब ये तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं, जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, यानी अब तक तो देश आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि आपका कोई सहयोग बिहार को आगे बढ़ाने में रहा नहीं, आपने हमेशा सौतेला व्यवहार बिहार के लोगों के साथ किया। अब बताइए 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों को यूं ही मुफ्त में, अध्यक्ष महोदय मुफ्त में, अब बिहार का पैकेज घंटा, बिहार को ठगा गया, मुख्यमंत्री जी को ठगने का तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, पूरे क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो नड्डा जी ने साफ कर ही दिया कहां क्या क्या साजिश चल रहा था। ये लोग असल में बेचैन है कि इनके तीनों जमाई रहते हुए में भी कैसे हो गया। अच्छा अब हम खत्म कर रहे हैं, जो भी होगा देख करके निकाल दिया जाएगा, बोल दिया गया। अध्यक्ष महोदय हमें पता है कि आगे ये लोग क्या क्या दुष्कर्म करेंगे, क्या क्या होने वाला है, सबको पता है। आज स्थिति
स्थिति ऐसी हो गई कि बिहार के बच्चे से पूछिएगा सीबीआई ईडी इनकम टैक्स तो बच्चा बोले अनपार्लियामेंट्री वोट जो भी है निकल जाएगा अध्यक्ष महोदय। बिहार का बच्चा बोलेगा कि ये बीजेपी का प्रकोष्ठ का लोग है। बीजेपी जब जब हारती है जब जब इसको डर लगता है तो इन तीनों को आगे करती है। ये बच्चा बच्चा जानता आगे क्या क्या ये लोग करेंगे सबको पता है। कोई कोई हमारा एक साथी हमारा एक वर्कर समाजवादी विचारधारा को मानने वाला एक एक बिहार के नागरिक कभी भी जो है इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। महोदय नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।